दोस्तों अपने दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गाना बनाने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज से कुछ दिनों पहले विवेक सिंह जी ने इस बात को कंफर्म किया था कि दबंग सुपरस्टार जर्मनी जाएंगे गानों को शूट करने के लिए। दोस्तों अब इस बात की कंफर्मेशन खुद दबंग सुपरस्टार ने भी दे दी है। आज मैं 2-3 गाने जर्मनी में शूट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कुछ लुक नया चाहिए अपने भाषा के लिए। कि नहीं यार, कुछ लोगों को लगता है ना कि नहीं कुछ नया हो, तो अपने लोगों को जो जर्मनी नहीं गए हैं, जो हमारे भाषा के लोग नहीं जा पाते हैं, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग अलग हट के कभी कभी शौक किया जाए ताकि लोगों को कुछ नया लगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने दबंग सुपरस्टार फाइनली जर्मनी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका 4 दिन का शेड्यूल है। पहले आप सभी को बता दें कि इन 4 दिनों में दबंग सुपरस्टार 2 गानों की शूटिंग करने वाले हैं। और दोस्तों ये गाने दबंग सुपरस्टार की लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा गाना साबित होने वाला है। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार दबंग सुपरस्टार सिर्फ गानों की शूटिंग करने के लिए विदेश गए हुए हैं। तो दोस्तों अगर सिर्फ यहाँ पे गाना शूट होने वाला है तो आप सब समझ सकते हैं कि ये गाना कितने बड़े लेवल का होगा। दोस्तों आप लोग इतना समझ लीजिए कि अब तक आप सभी ने दबंग सुपरस्टार के जितने भी हाई लेवल गाने देखे थे उन सब से भी ये बड़ा गाना होने वाला है। दोस्तों ये आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है कि आज कोई भोजपुरी कलाकार सिर्फ गानों की शूटिंग के लिए विदेश जा रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारे कलाकार इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि अपनी भोजपुरी भी बहुत जल्द एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। वैसे दोस्तों आप सभी को पता ही है कि अपनी भोजपुरी का दबदबा तो YouTube पे बना ही है, जहाँ पे हर रोज भोजपुरी के 2-4 गाने तो ट्रेंडिंग में रहते ही रहते हैं। वैसे सोचिए जब इस लेवल के गाने भोजपुरी में बनाए जाएंगे तो सोचिए तब यूट्यूब पर कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो दोस्तों अपने दबंग सुपरस्टार के फैंस के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बेहतरीन अपडेट पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।